हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्टडी चैनल जीएस पनेशिया। और इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा था, सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ा था, लगभग 8 सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ चुके थे। न्यूक्लियस पढ़ा था, क्रोमोसोम पढ़ा था, राइबोसोम पढ़ा था। तो कुछ अभी बहुत ज्यादा, क्योंकि कोशिका एक ऐसा चैप्टर है जिसको इतने एक या दो लेक्चर्स में खत्म नहीं किया जा सकता, तो इसको कवर करने के लिए मुझे बार बार वीडियोस बनाने पड़ रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, ये एक ऐसा चैप्टर है जो अगर आपको तैयार हो गया तो आप चाहे कोई भी एग्जाम देने जाएं, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, टीजीटी हो, ये सब में बड़ा महत्व रखता है। और अगर बायोलॉजी के 10-12 क्वेश्चन आ रहे हैं तो बड़ी गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि 2 से 3 क्वेश्चन इससे फंसते ही फंसते हैं। तो इसीलिए इस चैप्टर को आप थॉरली समझिएगा, प्रॉपर वे में समझिएगा। मैं ये पढ़ाने के बाद एसएससी के अनुसार से, रेलवे के अनुसार से उठाकर लगभग 50 से 60 प्रश्नों की एक शीट बनाऊंगा और उस शीट से एक एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिखता भी जाऊंगा और बोलता भी जाऊंगा। थोड़ी सी वीडियो बार बार लंबी बनानी पड़ेगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप थॉरली उसको देखिएगा, समझिएगा और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आप चाहे कोई भी एग्जाम। चलिए हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। तो हम लोगों ने 8 सेल ऑर्गेनल्स पढ़ रखे थे, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है अभी फिलहाल में गोल्जी बॉडी। इसको हिंदी में कहते हैं दोस्तों गोल्जी काय। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी। इसकी खोज की थी कैमिलियो गोल्गी ने। इसकी खोज, अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोल्जी बॉडी को डिस्कवर किसने किया था, हु हैड डिस्कवर्ड गोल्जी बॉडी, तो योर आंसर शुड बी कैमिलियो गोल्गी। बस आप नाम सुन लीजिए और ब्रेन में रख लीजिए, कैमिलियो गोल्गी ने गोल्जी बॉडी की खोज की थी। इसका फंक्शन क्या है? हम लोगों ने फंक्शन ही तो पढ़ा है कुल मिलाकर। इट टेक्स प्रोटीन एंड न्यूली फॉर्म्ड मटेरियल एंड सेंड देम टू अदर पार्ट ऑफ द सेल। इसीलिए ये बिल्कुल पोस्ट ऑफिस का काम करता है। लिफाफा आया, हमने उसको पैक किया, एक आदमी की तरफ से आया और दूसरे आदमी के पास ट्रांसफर कर दिया, भेज दिया। इसलिए कभी अगर आपसे पूछा जाता है पोस्टमैन ऑफ द सेल, मैंने लिखा नहीं, हर चीज नहीं लिख सकता, बहुत छोटा है थोड़ा सा, लेकिन आप सुन लीजिए और नोट करिए इस बात को, पोस्टमैन ऑफ द सेल, तो आपको आंसर लगाना है गोल्जी बॉडी। इसी तरह से पिछला क्वेश्चन जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था, पावर हाउस ऑफ द सेल, दैट वाज माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। इसी तरह से जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा पोस्टमैन ऑफ द सेल, सेल का पोस्टमैन कौन है, तो आपको उत्तर लगाना है गोल्जी बॉडी। क्योंकि क्या करता है? इट टेक्स प्रोटीन, ये प्रोटीन को लेता है और न्यूली फॉर्म मटेरियल और कोशिका में जो भी कुछ नया बनता है, सेंड देम टू अदर पार्ट ऑफ द सेल, और ये उनको कोशिका के भिन्न भिन्न या अन्य भागों तक पहुंचाता है। नेक्स्ट, लाइसोसोम, बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न, सबसे ज्यादा अगर पूछा जाता है तो वो पूरे सेल में लाइसोसोम के बारे में पूछा जाता है। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन होता है विच ऑर्गन इज, या विच ऑर्गेनेला इज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, तो आपका आंसर होगा लाइसोसोम। हिंदी में क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर जाएगा यहाँ पर लाइसोसोम। लाइसोसोम अंग्रेजी में भी है और हिंदी में भी इसको लाइसोसोम ही कहते हैं। तो सुसाइडल बैग ऑफ द सेल इज नोन एज लाइसोसोम, यानी कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। चलिए देखते हैं काम क्या करता है। इट दे ब्रेक द लार्ज फूड पार्टिकल इन टू स्मॉल वन, ये क्या करता है? ये भोजन के बड़े बड़े कणों को, लार्ज फूड पार्टिकल को कन्वर्ट करता है स्मॉल वन में। जैसे हमारे शरीर में छोटी आंत, बड़ी आंत, स्टमक, इसका क्या काम होता है कि हमने जो भी भोजन ग्रहण किया है वो बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स उनको तोड़ तोड़ कर ब्रेक करना, एंजाइम का फंक्शन कराना उसमें, और धीमे धीमे तोड़ तोड़ कर उनको स्मॉलर मॉलिक्यूल में चेंज करना, यानी कि डाइजेशन का काम करने का काम यहाँ पर कौन कर रहा है? हमारे शरीर में कौन करता है? हमारा पाचन तंत्र। इसी तरह से कोशिका में कौन करता है? लाइसोसोम। देखिए एक एक बात को बड़ा थॉरली समझिएगा, मैं बार बार आपसे इस बात को नोटिस कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो एक बार आपने समझ लिया आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, आप भले ही आईएएस की परीक्षा देने जाए, लेकिन अगर आपने नहीं समझा है आप रट के काम नहीं चला सकते। चलिए देखते हैं,
they break the large food particle into the small one and also, suniyega, and also break down the waste product into the usable material, yani ki koshika mein paaye jane wale kuch aise padarth jo waste material hain, ye unko bhi usable material mein convert karta hai. Next, क्लोरोप्लास्ट, ये दोनों मैंने साथ में लिखे हैं, क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल. यही रहा छुपाए, मैं आपको बताता हूँ एक करके. क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल को मैंने साथ में इसलिए लिखा है क्योंकि ये दोनों के दोनों, आप इसको याद कर लीजिएगा, क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल, ये दोनों के दोनों, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है अलग से, और आप भी जब नोट्स बनाइएगा वीडियो को रोक कर तो ऐसे ही लिखिएगा, चेंज मत कीजिएगा कुछ भी, जैसे मैंने लिखा हुआ वैसे लिखेगा. क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेसिस टेक्स पार्ट इनसाइड क्लोरोप्लास्ट. हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या क्या चीजें चाहिए होती, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए हमें चाहिए होता है सूर्य का प्रकाश, नंबर वन सनलाइट, क्लोरोफिल, हिंदी में इसको कहते हैं पर्ण हरिम, सुन लीजिए फिर से, पर्ण हरिम, और क्या चाहिए होता है, वॉटर H2O, और चाहिए होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. वॉट आर द फोर बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस, देन योर आंसर शुड बी वॉटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड क्लोरोप्लास्ट. तो ये चार बेसिक नीड है अगर फोटोसिंथेसिस होनी है. फोटोसिंथेसिस मेरा बहुत फेवरेट चैप्टर है, जब मैं आपको पढ़ा दूंगा आप कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे फोटोसिंथेसिस से, इसलिए आप मेरी वीडियोस को थॉरोली देखते रहिएगा, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाइएगा जो किसी कारणवश नहीं पढ़ पाते. चलिए, क्लोरोप्लास्ट सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेसिस टेक्स पार्ट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट. आपको एक नई बात बताता हूं, जो लीव्स होती है, लीव्स का अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन दो पोर्शन में डिवाइड होती है. हम इसको अगर बोलना चाहें तो एक कह सकते हैं वेंट्रल साइड या डॉर्सल साइड, हम लोगों में जैसे बोला जाता है. तो लीव्स का जो अपर पोर्शन होता है फोटोसिंथेसिस ऊपर का पार्ट करता है और नीचे का पार्ट नहीं करता. इसीलिए आपने शायद अभी तक ध्यान नहीं दिया होगा, बट अब ध्यान दीजिएगा, लीव्स नीचे की तरफ कम हरी होती है और ऊपर की तरफ ज्यादा हरी होती है, यानी कि किसी भी पत्ती की ऊपरी सतह में ज्यादा क्लोरोफिल पाया जाता है और नीचे की सतह कम हरी होती है, यानी कि थोड़ा सा कम क्लोरोफिल पाया जाता है इन कंपैरिजन टू अपर साइड ऑफ द लीव. आप ये अब नोटिस कीजिएगा, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो अभी किसी लीव को देखिएगा, किसी पत्ती को देखिएगा, तो उसमें नीचे की सतह कम हरी होगी और ऊपर की सतह ज्यादा हरी होगी, क्योंकि ऊपर ज्यादा क्लोरोफिल पाया जाता है, सन रेज आकर सीधे टकराती है और फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होता है. चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम लोग सेल वॉल की, और ये बात याद रखिएगा, मैंने अलग से लिखा हुआ है कि क्लोरोफिल और सेल वॉल, प्लांट सेल, प्लांट सेल, प्लांट सेल में क्या पाया जाता है, सेल वॉल, प्लांट सेल में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट. बड़ी सीधी सी बात है, पौधे ही हरे होते हैं, अपन लोग तो हरे होते नहीं, हम लोग हरे होते हैं क्या, मैं हल की बात नहीं कर रहा. अगर आपने मूवी देखी होगी हल, तो उसमें एक आदमी ऐसा दिखाया गया है, एक कल्पना की गई है, हाइपोथेसिस है, उसको ग्रीन दिखाया गया, बट हम लोग नहीं हो सकते, हम लोगों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता. अगर हम लोगों में क्लोरोफिल पाया जाता, बड़ी छोटी सी बात आपसे करता हूँ, थोड़ा सा मजाक है, अगर हम लोगों में क्लोरोफिल पाया जाता तो हम लोगों को भोजन घर में बनवाने की जरूरत नहीं होती, बस अपन लोग धूप में छत पे जाके ऐसे खड़े हो जाते हैं, सन के रेडिएशन हमारे शरीर पे पड़ते हैं और हम अपना ग्लूकोज बना लेते जैसे कि पौधा करता है. लेकिन हम परपोषी हैं, हम हेटरोट्रॉफ हैं, पौधे स्वपोषी हैं, पौधे ऑटोट्रॉफ हैं, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और हम उन पर निर्भर करते हैं, इसीलिए वो उत्पादक हैं, हम उपभोक्ता हैं, दे आर प्रोड्यूसर, वी आर कंज्यूमर. सारी बातें एक एक बात आपको समझ में आ रहेगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. चलिए, सेल वॉल बहुत ही बेसिक टॉपिक है, सेल वॉल का कोई काम नहीं होता बेसिकली, बस ये है कि वो सेल का शेप मेंटेन करने के काम में आती है,
जब इससे पहली वाली वीडियोस आप देखेंगे तो मैंने उसमें बताया था कि रॉबर्ट हुक ने सेल वॉल की ही खोज की थी, क्योंकि उन्होंने कांच में लगे हुए कॉर्क के ढक्कन को देखा था। कांच में जो कॉर्क का ढक्कन लगा हुआ था उन्होंने अपने सरल सूक्ष्मदर्शी से देखा, तो उन्हें इस तरह के जैसे बेंजीन रिंग होती है इस तरह से उन्हें एक हेक्सागोनल चैम्बर दिखा, उन्होंने उसी का नाम रख दिया सेल। हालांकि उन्होंने देखा क्या था, सेल वॉल। चलिए, सेल वॉल इट प्रोवाइड्स शेप टू द सेल, ये कोशिका को उसका आकार प्रदान करती है। इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द प्लांट, अब ध्यान से सुनिएगा, किसी पौधे की कोशिका का हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या होता है, उसकी सेल वॉल में होता है। फिर से सुनिए क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द प्लांट, तभी तो शेप दे रहा है। जैसे हमको शेप देने के लिए कौन सी चीज दी भगवान ने, बोन्स, हड्डी, किससे बनी होती, कैल्शियम से बनी होती। हमारे शरीर को शेप देने के लिए भगवान ने हमको क्या दिया है, भगवान ने हमको शेप देने के लिए हमारे अंदर दिया है कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम, बोन्स, ये किससे बनी होती, कैल्शियम से। अगर ये कैल्शियम सॉफ्ट मेटल होती, मेटल ही कहेंगे, अधातु धातु ये सब बातें बाकी हैं, ठीक है, तो क्या हम चल पाते, क्या हम मूवमेंट कर पाते, या फिर हम भी लेट के चलते जैसे केचुआ चलता है, क्योंकि उसमें तो बोन्स होती नहीं, बस वही बात हो गई। तो अब हमको यहाँ जो नोटिस करना है वो यही नोटिस करना है कि सेल वॉल का बेसिक काम क्या है, प्लांट या सेल को शेप प्रोवाइड करना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द प्लांट, इसी कोशिका में सबसे मजबूत पदार्थ होता है। अब जब ये आ ही गया तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, हम लोगों से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। मैं जानबूझ कितना धीरे धीरे बोलता हूँ ताकि आप लोग नोट कर लें, व्हाट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो हमको क्या लगाना है, ये जो हमारे दांत की, जो हमारे टूथ की कवरिंग्स होती है, जो हमारे दांत के ऊपर एक कवर चढ़ा होता है, हमारे दांत के ऊपर जो कवर होता है ये बना होता है एक सॉलिड एलिमेंट से, जिसको हम कह सकते हैं इनेमल। मैं लिखे दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिए, अलग से कहीं इसको नोट कीजिएगा, लिखिएगा हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, ENAMEL, दैट इज कॉल्ड इनेमल, भूलिएगा नहीं दोस्तों प्लीज, दैट इज कॉल्ड इनेमल, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी इज इनेमल। और हार्डेस्ट सब्सटेंस अगर हम प्लांट में कहें तो यहां पर हम इसके हार्ड सब्सटेंस को अगर बात करते हैं, वैसे तो आपको सच्चाई बताऊं तो वैसे तो पॉलन ग्रेन, आपने कभी पढ़ा होगा पराग कण, जो पराग कण होते हैं, पराग कण के ऊपर की कवरिंग होती है, दैट इज कॉल्ड स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन हिंदी में ही पूछा जाएगा, जब भी पूछा जाएगा, अगर पूछा जाता है प्लांट में सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है, तो आपको बोलना है कि जो पराकण होते हैं उनके ऊपर की कवरिंग, स्पोरोपोलेनिन। खैर, कभी पूछा नहीं गया आज तक किसी एग्जाम में, मतलब मेडिकल के एग्जाम में पूछा गया है, अभी तक आयोग के किसी एग्जाम में ये नहीं पूछा गया, इसलिए मैं उसको बताना उचित नहीं समझता। चलिए, सेल वॉल, इट इट प्रोवाइड द शेप टू द सेल, इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द प्लांट। तो दोस्तों, अब हम लोगों ने लगभग लगभग सारे सेल ऑर्गेनल्स पढ़ डाले हैं, सेल के बारे में पढ़ डाला है, प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ डाली, यूकैरियोटिक सेल पढ़ डाली, ये सब पढ़ डाला, लगभग जो जो छोटे छोटे क्वेश्चन मैक्सिमम बन सकते थे सेल वाले चैप्टर से वो पढ़ डाली। तो आज एक काम करते हैं, इस वीडियो को एंड करते हैं 5 क्वेश्चन से, हम धीरे धीरे छोटे छोटे 5 क्वेश्चन आपको कराते हैं और उन क्वेश्चन में इतना एक्सप्लेन कर देंगे कि उनसे संबंधित जब भी कोई क्वेश्चन आएगा आपका उत्तर सही होगा। तो चलिए जरा देखते हैं, पहला क्वेश्चन, ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था। आपके ऑप्शन है नॉलन रस्का, रॉबर्ट कोच, ल्यूवेन हॉक, सीपी सॉन्सन। तो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की खोज की थी नॉल एंड रस्का ने, कब की थी, 1932 में, ठीक है। अब देखिए, मेरी यही बात, वो जो मैंने आपसे बात की थी वो क्लियर होती है, मैंने आपसे कहा था कि रॉबर्ट हुक ने जो सेल की खोज की थी, सेल वॉल देखी थी, वो कब देखी थी, 1665 में, यानी कि उस समय तक क्या
इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप था नहीं, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप नहीं था, इसीलिए उन्होंने सेल नहीं सेल वॉल देखी थी, क्योंकि सेल कैन ओनली बी सीन बाय इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। साधारण सूक्ष्मदर्शी से आप किसी सेल के भीतर या सेल को नहीं देख सकते, और रॉबर्ट हुक ने जो देखा था वो सेल नहीं, वो सेल वॉल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर आता है? बहुत ज्यादा हिंदी है, परेशान ना होइएगा। किसकी उपस्थिति के कारण ऐसा क्या प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से एक प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंशिएशन आता है? चलिए पहले देखते हैं क्लोरोप्लास्ट। अभी मैंने आपको एक चीज बतानी, ध्यान दीजिएगा, क्लोरोप्लास्ट, बात सच है कि क्लोरोप्लास्ट केवल और केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता, यानी कि इसका आंसर ये सही होना चाहिए। नेक्स्ट, कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल भी केवल प्लांट सेल में पाई जाती है और एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। थर्ड वन, कोशिका कला, और चौथा नाभिक या केंद्र दोनों में पाया जाता है। ठीक है, सारी बातें हो गई। अब हमको ये देखना है कि हमको यहाँ पर ए और बी दोनों सही है। मैंने आपको बताया था, जब नोट करवाया था तो मैंने आपसे ये बोला था कि चाहे क्लोरोप्लास्ट हो ये भी प्लांट सेल में पाया जाता है, और चाहे सेल वॉल हो ये भी प्लांट सेल में पाई जाती है। यानी कि अगर हम पूछें कि क्या आप एक बेसिक डिफरेंशिएशन बता सकते हैं कि प्लांट सेल को और एनिमल सेल को कैसे अलग करेंगे, कैसे पहचानेंगे, तो आप कहोगे हाँ कैसे, हम ये देख लेंगे कि उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है कि नहीं पाया जाता, किसमें, प्लांट सेल में, तो हम इसे डिफरेंशिएट कर लेंगे। फिर हम ये देख सकते हैं कि सेल वॉल किसमें, अगर सेल वॉल देखी तो वो प्लांट सेल, अगर सेल वॉल नहीं दिखी तो वो एनिमल सेल। लेकिन याद रखिएगा, जब भी ये क्वेश्चन आए या इस तरह का क्वेश्चन आए और दोनों ऑप्शन दिए हो, आपको क्लोरोप्लास्ट भी दिया हो, सेल वॉल भी दिया हो, तो आपको उत्तर में सेल वॉल लगाना है। दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे आपको उत्तर में क्या लगाना होगा, सेल वॉल। आपको उसका रीजन देता हूँ क्लोरोप्लास्ट क्यों नहीं, क्योंकि अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने ध्यान दिया होगा पौधे और जंतु के बीच की कड़ी क्या थी, युगलीना, और युगलीना एक जंतु भी है और पौधा भी है, और जंतु होने की वजह से उसमें पाया जाता है क्लोरोफिल, जबकि नहीं पाया जाना चाहिए था, इसीलिए क्लोरोफिल पाए जाने की वजह से उस ऑप्शन को काटा गया है और यहाँ पर सेल वॉल को क्लिक किया गया है। अब आप समझ गए होंगे। इसका अपना तीसरा प्रश्न, हमारा तीसरा प्रश्न आज का क्या है, हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, GM फूड से क्या आशय है, या GM फूड से आशय उस खाद से है डैश जो अनुवांशिक उपायों के अंतर्गत पैदा होता हो, जो अनुवांशिकतः रूपांतरित हो, जो भौगोलिक अपरिवर्तन के अंतर्गत पैदा हो, जिसमें अधिक ग्लूकोज उपापचय क्षमता हो। बहुत हो गया, बहुत समझा दिया इन्होंने, हम आपको बताते हैं, बड़ा सिंपल सा है, घबराइएगा नहीं। ये कह रहे हैं कि व्हाट इज GM क्रॉप, GM फूड, जब भी शब्द बायोलॉजी का पेपर और GM आए, या ज्योग्राफी में भी ये टॉपिक पूछा जाता है कभी कभार, जब भी GM आए तो इसका बड़ा सीधा सा मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड। दोस्तों आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, इसको बोलते हैं GM, जेनेटिकली मॉडिफाइड। आपने नाम सुना है BT कॉटन, आपने नाम सुना है BT बैगन, अभी बीच में काफी सारी चर्चाओं में आया था कि बीटी बैगन को अलाउ नहीं किया जा रहा, मना कर दिया गया है, बीटी कॉटन को अलाउ नहीं किया जा रहा, मना कर दिया गया, क्यों, उसका रीजन है मैं आपको बताता हूँ। जेनेटिकली मॉडिफाइड बैगन या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो भी होती है, फसलें होती है, क्या करते हैं, हम जीन लेते हैं, और क्योंकि उसको कीड़े खाते थे बार बार, तो कीटनाशक को ऊपर से डालने से अच्छा है कि हम कुछ ऐसा कर दें, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, हम कुछ ऐसा कर दें उसमें कि कीड़े उसको खाएं और स्वतः मर जाए। तो ऐसे ही बनाया गया बीटी बैगन, बैसिलस थियोरियोजेनेसिस कॉटन या बैसिलस थियोरियोजेनेसिस ब्रिंजल, बीटी ब्रिंजल। खैर ये सारी बहुत बड़ी बातें हैं, आपको नहीं बताऊंगा, आप बस इतना जान लीजिए, वो सब आपके स्टैंडर्ड का नहीं है, बस आप इतना जान लीजिए छोटी सी बात कि GM का मतलब होता है ऐसा भोजन या ऐसा फूड जिसको लैब में रख के इंजीनियरिंग की गई हो, जिसपे अनुवांशिकता उसकी चेंज की गई हो, कुछ ऐसा किया हो, जैसे हाइब्रिड बनाना, एक मक्के का देसी पौधा लिया, एक मक्के का विदेशी पौधा ले लिया, दोनों के जीन का संकरण कराया, हाइब्रिडाइजेशन कराया और एक नया हाइब्रिड तैयार करना, तो यही होता है GM क्रॉप्स यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। चलिए दोस्तों अब अपने चौथे क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं।
बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। लिखा है कीटो द्वारा परागित फूलों के पराग कण होते हैं। मैंने आपको इस वीडियो में पराग कण के बारे में बताया था थोड़ी देर पहले। पराग कण मैंने आपसे बोला था कि अगर पौधे में कभी पूछा जाता है कि पौधे में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या होता है, तो आपको बोलना है पराग कण के ऊपर की कवरिंग, दैट इज कॉल्ड स्पोरोपोलेनिन। पौधे, किसी पौधे में सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या होता है? पराग कण के ऊपर की कवरिंग, स्पोरोपोलेनिन। जंतु में, मनुष्य में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या होता है? टीथ, हमारे टूथ की ऊपर की कवरिंग, दैट इज कॉल्ड इनेमल। इनेमल मैं बार बार बोलता हूं ताकि आपके ब्रेन में जाए, अंदर जाए, किसी तरह से याद हो आपको, लिखिए नहीं, याद करिए। हाँ, तो अपन क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज कीटों द्वारा परागित फूलों के परागकण होते हैं। अब बताइए, अगर हमको, पहले तो आपको बता देते हैं परागण क्या होता है। परागण का मतलब होता है वायु के द्वारा, सुनिएगा ध्यान से, वायु के द्वारा, जल के द्वारा, किसी भी तरह से किसी कीट के द्वारा, पौधा जब किसी पुष्प के ऊपर कोई कीट बैठता है, किसी मेल पुष्प, यानी कि कैसे बताऊं आपको, मेल पुष्प मतलब मेल फ्लावर के ऊपर जब वो बैठता है, तो एंथर के ऊपर, एंथर यानी कि वही परागकण, वो उसके चिपक जाते हैं पैरों में, पॉलन बास्केट्स होती है वहां पर, मधुमक्खी के पैरों में वो चिपक जाते हैं। और जब वो किसी फीमेल पौधे पर जाकर बैठता है, तो वहां जो वर्तिकाग्र होता है, उसी वर्तिकाग्र, स्टिग्मा, दैट इज कॉल्ड स्टिग्मा, वर्तिकाग्र पे वही परागकण अंदर चला जाता है, निषेचन होता है। इसका आप उत्तर क्या देंगे? कीटों द्वारा परागित फूलों के परागकण कैसे होते हैं? चिकने और शुष्क। आपको लगाना है रफ, यानी कि रुक्ष और चिपचिपे, क्योंकि वो उनके पैरों में आसानी से चिपक सके। और दोस्तों, अब हमारा पांचवा और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न, और इतना कठिन कि क्या बताऊं, हार्डेस्ट, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन। किसी सेल के भीतर पावर प्लांट किसको कहा जाता है? माय गॉड, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसमें कुछ नहीं बताना, मैं इसको पहले दो वीडियो में बता चुका हूँ, सब कुछ बता चुका हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी बातें समझ में आती हो, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो, मेरे क्वेश्चन सॉल्विंग जो मैं आपको क्वेश्चन फॉर्म जैसे करके बताता हूँ, क्वेश्चंस बताता हूँ, अगर आपको अच्छा लगता हो, तो प्लीज 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 मेरे वीडियोस को शेयर कीजिएगा, उन लोगों तक खास तौर से पहुंचाइएगा जो नहीं पढ़ पाते किसी कारण से। मैं बार बार आपसे यही कहता हूं कि आप यूजुअली सबको शेयर करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खास तौर से ऐसे बच्चों को जरूर शेयर करिए जो गांव में रहते हैं, किसी कारण से नहीं पढ़ पा रहे। मोबाइल आजकल सबके पास है, जियो सबके पास है, तो इस माध्यम से पढ़ लें, कैसे भी पढ़े इस माध्यम से पढ़ लें। बहुत सारे बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन किसी कारण से नहीं पढ़ पाते, तो ऐसे बच्चों को मेरी वीडियोज जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।